नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। बिल आया है नेशनल मेडिकल कमीशन का, इसमें जो डॉक्टरों ने कोर्स किया उसको मान्यता हम देने वाले आने वाले दिनों में, ताकि जो सामान्य लोग हैं और सामान्य परिवार से जो बच्चे पढ़कर आगे आते हैं, सभी लोग तो कोई करोड़ रुपया खर्चा करके MBBS बनने वाले नहीं हैं, और समाज की आवश्यकता है। पहले के दिनों में अगर आप देखेंगे तो हमारे हर घर में डॉक्टर होता, हमारे बाप दादा जो परदादा थे वही डॉक्टर हुआ करते थे, डॉक्टरों के पास बहुत कम जाते थे, लेकिन धीरे धीरे देश आगे बढ़ता गया, ये सारा सिस्टम डेवलप हुआ, उसकी भी आवश्यकता है। लेकिन आप किसी भी चीज़ का इतना भी मोनोपोली मत करो जिससे लोगों को सुविधाएं ना मिले। इसलिए सरकार ने बिल्कुल आया है, सरकार ने पार्लियामेंट में इसको पास भी किया, लेकिन कुछ लोगों का डिमांड था कि इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजकर और इसको ठीक ठाक कैसे कर सकते हैं। स्टैंडिंग कमेटी में जाने के बाद में निश्चित वापस लोकसभा और राज्यसभा में पारित होते हुए इसको पास करेंगे। मोदी जी आने वाले दिनों में सारे जो ये मोनोपोली सिस्टम आज़ादी के 70 साल में जिन लोगों ने डेवलप किया उसमें बदलाव लाने का बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं। जो नेशनल मेडिकल कमीशन बिल है 2017 जो पार्लियामेंट लोकसभा में JP नड्डा जी ने प्लेस किया है और ये पार्लियामेंट में लोकसभा में पास हो चुका है, पर IMA का 2 तारीख को जो विरोध था उसके बाद इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया था। और इसमें कुछ जो मुद्दे हैं, एक मुद्दा जो हम जिसके लिए हम लोग आज यहाँ पे हैं, ब्रिज को शेड्यूल 4 ब्रिज कोर्स, जिसको हम लोग आज आयुष डॉक्टर समर्थन करने के लिए यहाँ पर आए हैं, बिकॉज हमारी बात स्टैंडिंग कमेटी तक पहुँची नहीं थी, हमारा कोई वहाँ पे नेतृत्व नहीं था, इसीलिए हम लोग ने गोपाल शेट्टी जी को आमंत्रण किया यहाँ पे कि हमारी बात आगे पार्लियामेंट तक पहुँचाएँ। और आयुष डॉक्टर जो आज हमारे देश में काफ़ी लाखों की संख्या में है, जो PHC रूरल एरियाज़ में हमारे डॉक्टर्स जाके गरीब लोगों की मदद करें, और बेसिकली ये बिल का जो फ़ायदा है ये पूर्ण जनता के लिए, मतलब गरीब लोगों के लिए ज़्यादा फायदा है इसमें, बिकॉज देखा जाता है कि गाँव में और जो आदिवासी एरिया वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं जाते PHC में, और काफ़ी लोगों को एमरजेंसी सर्विसेज नहीं मिलती है। हमारे डॉक्टर ये ब्रिज कोर्स करने के बाद ऑफिशियली और गवर्नमेंट से डिग्री लेकर ये कोर्स करने के, वो जो रूरल एरियाज में डॉक्टर्स की कमी है उसको पूरा करेगी, जो WHO का गाइडलाइंस है कि इतने डॉक्टर्स पर पॉपुलेशन होना चाहिए उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने बिल लाए हैं, उसका हम आज डॉक्टर्स का समर्थन है। आज जितने भी डॉक्टर्स यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं सब लोग, और गोपाल शेट्टी जी का हम लोग अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने आज आके हमारा मनोबल बढ़ाया यहाँ पे, और हमारी बात को जो अभी तक पार्लियामेंट में नहीं गई थी और एक IMA के विरोध से ही उसको दबा दिया गया था, आज हम वो बात को वापस से स्टैंडिंग कमेटी के पास पेश करना चाहते हैं। फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।